बीजेपी का स्थापना दिवस और बीजेपी सांसद दिल्ली से मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज तिवारी जी, रंग रूप बदला हुआ है, टोपी है, भगवा रंग की गमछा है, क्या बड़ा मैसेज है? देखिए, आज रंग तो नहीं बदला हुआ है, लेकिन इस रंग का थोड़ा सा स्टाइल चेंज है। जिस प्रकार से हमारे सर पे ये कैप जो पहले प्रधानमंत्री जी ने गुजरात प्रवास पे पहनी, अब ये हर सांसद के सर पे है, हर कार्यकर्ता के सर पे है, और मैं आज एक नई परिभाषा इस कैप के अंदर है कि जो इस कैप को पहन रहा है वो भारत के संकल्पों और सपनों का प्रतिनिधि है। आज प्रधानमंत्री जी की बोली हुई ये पंक्ति है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का हर पदाधिकारी वो भारत के संकल्पों और सपनों का प्रतिनिधि है। इस परिभाषा के साथ इसको हम आगे बढ़ाएं। और अगर देखें तो राजनीतिक चुनौतियों की बात करें, दिल्ली से आप आते हैं, दिल्ली में बीजेपी की राजनीतिक चुनौतियां बढ़ी हुई है और इसीलिए आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप भी लगाए गए कि MCD बिल इसीलिए लाया गया चुनाव टाल दिए जाए। एक्चुअली आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में बहुत बड़ी चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि इनके द्वारा बोला गया झूठ आज सबके मोबाइल में है। इनके द्वारा बोला गया झूठ आज सभी लोगों के सामने है। ये सदन में कश्मीर जेनोसाइड पे मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, और जब कोई टीवी इनको पकड़ता है तो सीधे यू टर्न मार लेते हैं। तो झूठ और झूठा भ्रम फैलाने का जो क्रम था उनका ख़त्म हो गया, जनता उनसे नाराज़ है। यूनिफिकेशन होना MCD का एक ऐसा कदम है जिससे दिल्ली के लोग खुश हैं। तो चुनौतियां बीजेपी की नहीं हैं, चुनौतियां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए है। उन्होंने न दिल्ली के लोगों को साफ पानी दिया, न दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दी, न तो दिल्ली के लोगों को अच्छा एजुकेशन दिया है, न तो दिल्ली के लोगों को साफ जमुना जी दी है, ना तो दिल्ली के लोगों को साफ हवा दिया। कौन है काम के आप? मनोज जी, आप केवल सांसद ही नहीं हैं बल्कि आप गायक भी हैं और एक अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आपकी आवाज़ दूर तक जाती है। स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को अपने अंदाज में क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, हम लोग तो एक लाइन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भाजपा दिल में भाजपा देश में, भाजपा संकल्पों सपनों के है परिवेश में, भाजपा कदम बढ़ा रही है हर एक प्रदेश में। अच्छा है ना? धन्यवाद बात करने के लिए। और मनोज तिवारी अपने अंदाज में बीजेपी के स्थापना दिवस को मनाते हुए। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।